हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो आज मैं आ चुकी एक नया व्लॉग लेके। आज मैं बनाऊंगी मूरी घंटो। आप ये बंगाली रेसिपी है, आप इसको माछेर माथा दिए मूंग डालेर घंटो भी बोल सकते हो। तो फॉर दैट मैं कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल हीट कर लूँगी। उसमें तड़का में मैं डालूँगी जीरा, सूखी लाल मिर्ची, बे लीफ। उसको थोड़ा फ्राई करने के बाद उसमें डाल दूँगी मैं फ़िश का हेड। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसमें डालने के लिए हल्का फुल्का मसाला बनाएंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर, जीरा, धनिया एंड सूखी लाल मिर्ची का रोस्ट करके पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, नमक। इसको थोड़ा पानी में अच्छे से मिला लेंगे और उसको 5 मिनट्स के लिए साइड में रख लेंगे, तो मसाला जो कि है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अभी यही मसाला को मैं जो फिश हेड फ्राई करी थी उसमें डाल लूँगी। उसको अच्छे से हल्का फ्राई कर लेंगे, एकदम अच्छे से, देख रहे हो आप। ये फ्राई होने के बाद हम लोग पहले से ही प्रेशर कुकर में जो कि है मूंग का दाल को प्रेशर कुक कर लेंगे। उसमें हम लोग डालेंगे हरी मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा नमक। प्रेशर कुक करने के बाद प्रेशर से निकाल के उसको अच्छे से घोट लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश होने के बाद उसको हम लोग दाल में पोर कर देंगे। पोर करके कुक करेंगे, कुक करते हुए एक 10 मिनट्स तक कुक करेंगे। फिर ढकना निकाल के उसमें हम लोग डालेंगे अदरक का कूटा हुआ अदरक, या फिर आप अदरक को घिस के भी डाल सकते हो। ये ना थोड़ा हल्का अच्छा अदरक का फ्लेवर देता है दाल में, तो दाल बहुत टेस्टी बनती है। तो हो गया हमारा फिश हेड से बना हुआ मूंग दाल। इसको आप लोग थोड़ा ड्राई ड्राई भी बना सकते हो, बट मेरे घर में सबको ही थोड़ा ऐसे गीला वाला ही पसंद करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ एक नया ब्लॉग में। सी यू देयर। गुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।